ni chama. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं अरशद शेख, चेयरमैन ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी कांग्रेस। हमारे तेलंगाना के सदर मोहतरम रेवंत रेड्डी साहब के एक धरना कॉल के ऊपर जब हम लोग तकरीबन ग्रेटर हैदराबाद के अखिलेश सेल के पूरे कायदीन जब निकले हैं बाहर धरना करने के लिए, सबको पुलिस जो है, हैदराबाद पुलिस, तेलंगाना पुलिस, ये सब मिलके हमारे को गैर कानूनी अरेस्ट करके लाके सुबह से यहाँ अंदर बिठाया गया है। अब हमारे को छोड़ा गया है, यानी कि दिन में हमारा एहतजाज दर्ज नहीं करना इनका मकसद है। हमारे पास तेलंगाना के अंदर सरपंचों को 35,000 करोड़ का जो फंड था, वो फंड कहीं और जो है ना डाइवर्शन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ज़रिए किया गया है। और जब हम जो है ना धरना चौक पे, हैदराबाद के धरना चौक पे जब धरना देने के लिए हम जो है ना परमिशन के लिए बोले, तो हमारे को परमिशन नहीं दिया जाता है। ये टीआरएस गवर्नमेंट बार बार जो है ना, इनको कुछ भी छोटी सी चीज़ खांसी भी आए तो धरना देने जाते थे जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। आज हमारे को जो है ना हमारी आवाज़ उठाने का मौका नहीं दे रही है, हमारे को जो है ना हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, किसान की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, एक आम आदमी की आवाज़ दबाने के लिए ये टीआरएस गवर्नमेंट जो है ना कोशिश कर रही है। आज जब हम रोडों पे निकल के धरना दे रहे थे किसानों की ताईत में, ये लोग हमारे को अरेस्ट करके सुबह से लेके पुलिस स्टेशनों में बंद करके हमारे को जो है ना बंद करके रख के यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर। हम ये चीज़ के ऊपर फौरी तौर पर सरपंचों का जो फंड जो है ना डाइवर्जन दिया है, फौरी तौर पे ये फंड वापस सरपंचों को देना, ये हमारा डिमांड है। अगर ये नहीं होगा तो हम भारी तरीके से एहतजाज करेंगे और जल्द से जल्द ये हुकूमत वैसे तो गिरने ही वाली है, इस बिना पे हुकूमत गिर जाएगी, वक्त से पहले हुकूमत गिरने का अंदेशा है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।